गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जियो सिम के इंटरनेशनल रोमिंग फीचर्स के बारे में। अगर हम अपने जियो सिम को दूसरे किसी कंट्री में यूज़ करते हैं तो जियो की तरफ से हमें क्या क्या फीचर्स मिलता है, रिचार्ज पैक कितने का आता है और उस रिचार्ज पैक से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, तो ये सब कुछ डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जियो सिम को इंटरनेशनली यूज़ करना चाहते हैं या यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिए। तो सबसे पहले, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, गल्फ़ कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं जो जियो सिम को यूज़ करते हैं और वो अपने सिम को चालू रखने के लिए एक एक साल, दो दो साल तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पैक जो आता है वो रिचार्ज करते हैं ताकि उनका सिम चालू रहे। लेकिन यहाँ पर जियो की तरफ से बहुत ही यहाँ पर सस्ता रिचार्ज भी है और कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिचार्ज है, जिससे हम लोग रिचार्ज करके और इंडिया वाला सब कुछ तो यहाँ पर फ़ायदा उठा ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारा जो सिम है वो भी बंद नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा एक एक करके ताकि आपको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। तो जियो के अगर आप रिचार्ज में जाएंगे, आप अपने नंबर डालेंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल रोमिंग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 1102 रुपये, यानी कि 1102 रुपये का एक रिचार्ज आता है, जिसको अगर आप कर लेते हैं अपने जियो सिम में तो आप गल्फ कंट्री में रहें या फिर यहाँ पर लिस्टिंग दिया रहता है 100 से ज़्यादा कंट्री में, इन सभी कंट्री में रह के आप जियो का रोमिंग यहाँ पर फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि आप कॉलिंग भी कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने फोन में अभी 1102 रुपये का रिचार्ज किया और इससे पहले मैं नहीं किया था और सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए रिचार्ज किया कि आखिर ये 1102 रुपये में हमें क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ पर मैं रिचार्ज करने के बाद मुझे 933 रुपया मुझे IR बैलेंस मिल गया, यानी कि 1102 रुपये रिचार्ज करने के बाद 933 रुपया मेन बैलेंस मुझे मिला और इस मेन बैलेंस को मैं कॉलिंग के वक्त और यहाँ पर SMS के वक्त यूज़ कर सकता हूँ। जो कि मैं कॉल करूँगा तो 10 रुपये मिनट कटेगा, यानी कि इंडिया में किसी भी नंबर पर कॉल करता हूँ तो 10 रुपये मिनट कटेगा। और उसी तरह से जैसे ही यहाँ पर वाईफाई को मैं ऑन कर लेता हूँ, यानी किसी वाईफाई से मैं कनेक्ट होता हूँ, अपने फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ तो यहाँ पर 1 रुपये मिनट कटता है, यानी कि वाईफाई कॉलिंग सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये मिनट है। और यहाँ पर अगर विदाउट वाईफाई कनेक्ट किए हुए अपने फोन में अगर फोन करते हैं तो यहाँ पर 10 रुपये मिनट कटता है। तो 1 रुपये मिनट यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करो और उसके बाद से 1 रुपये मिनट किसी भी नंबर पे इंडिया में कॉलिंग बहुत ही आसानी से हो जाता है। और यहाँ पर जो 10 रुपये मिनट कटता है उसमें कॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा झंझट होता है यहाँ से, यानी कि अगर आप कॉल करते हैं तो बहुत देर के बाद कॉल यहाँ पर लगता है, यानी कि रिंग जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपने वाईफाई कॉलिंग यानी कि वाईफाई से कॉल करते हैं, वाईफाई कॉलिंग जिसे बोलते हैं उससे करेंगे, तो आपको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आप इंडिया में रह के इंडियन नंबर पर कॉल किए हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री में रह के इंडियन नंबर पर कॉल किए हैं, तो बिल्कुल आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन 1 रुपये मिनट आपको कटेगा वाईफाई कॉलिंग पर अगर ये रिचार्ज करने के बाद आप करते हैं तो। यहाँ पर SMS के बारे में बात करें तो 5 रुपये अगर आप किसी भी नंबर पर आप मैसेज करते हैं तो 5 रुपये मिनट, यानी कि 1 SMS पर आपको 5 रुपये चार्ज लगेगा। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 1102 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो 933 मिनट आपको यहाँ पर मिलता है बात करने के लिए, यानी इंडिया में कहीं पर भी आप यहाँ पर बात करेंगे या लोकल में भी यहाँ पर कॉल करेंगे तो 1 रुपया ही कटता है वाईफाई कॉलिंग, अगर वाईफाई आप कनेक्ट कर लेते हैं तो 1 रुपया ही कटेगा इंडिया में किसी भी नंबर पर। और यहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ पर भी लोकल कॉल करेंगे तो 1 रुपया मिनट ही कटेगा। मैं आपको प्रूफ के तौर पर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे देख सकते हैं कि जितना भी मैं कॉल किया हूँ वो सब का यहाँ पर जो बैलेंस कटा है वो आपको दिख जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर इंटरनेट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट यहाँ पर बहुत ही स्लो चलता है, इंटरनेट के लिए बिल्कुल रिचार्ज मत कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ कॉलिंग के लिए और यहाँ पर मैसेज के लिए आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है अगर आप जियो सिम को इंटरनेशनली रिचार्ज करते हैं तो। अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे या फिर किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी आप रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद मैसेज आता है, तो उसे भी आप आसानी से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे भी आप आसानी से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये रिचार्ज कर लेते हैं तो। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जब भी आप अपने इंटरनेशनल जियो सिम को रिचार्ज करें तो ये वाला पैक ज़रूर से यहाँ पर रिचार्ज कीजिए ताकि आपको सभी तरीके का फैसिलिटी मिलती रहे। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि 3-4 महीने के बाद ये एक रिचार्ज करता हूँ ताकि हमारा नंबर भी चालू रहे और जो भी कॉल वॉल करना है वो कॉल भी हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा है जो कि जियो की
तरफ से ये चीज़ मिलता है। अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइए कि एयरटेल के वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो बस आज की वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिए। थैंक यू।